सो व्हाट्स अप गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए कुछ इस टाइप का फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग एंड फेस को कैसे गोरा कर सकते हैं आप लोग काफ़ी बढ़िया तरीके से इस वाले वीडियो में बताया हूँ आप लोग के लिए। तो इस वाले वीडियो को आप लोग फुल वॉच करिएगा, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया हूँ कैसे आप लोग अपने फेस को स्मूथ और चेहरे पर जो भी लाइट होगा उसको कैसे सही करेंगे। हम लोग का ये सिंपल फ़ोटो है, इस सिंपल फ़ोटो को हम लोग शेयर कर लेंगे यहाँ से स्नैपसीड एप्लीकेशन में। सबसे पहले इसको शेयर कर लेते हैं, वहाँ पर हम लोग इसके फेस को गोरा करेंगे और जो भी लाइट होगा उसको सही करेंगे। ओपन करने बाद सबसे पहले क्या करना है, नीचे आप लोग को टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। टूल्स पे क्लिक करने बाद आप लोग को ब्रश का ऑप्शन दिखेगा, ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद आप लोग को सेकेंड नंबर का यहाँ से ब्रश ले लेना है एक्सपोजर का, उस पर क्लिक करने में तो आप लोग का ऑटोमेटिक 0.7 का रेशियो आ जाएगा, यहाँ पे नीचे देख लीजिए। तो इसके बाद आप लोग को इसको फेस पर इसको अप्लाई करिएगा कुछ इस तरीके से। आप लोग अपने फेस पर इसको अप्लाई करना है, हेयर पे और आप लोग बैकग्राउंड पे इसको अप्लाई नहीं करना है। इतना करने बाद आप लोग को क्या करना है, इस फोटो को सेव कर लेना है। ठीक है, फोटो को सेव करना, आप लोग देख सकते हैं फेस गोरा हो चुका है। इसके बाद हम लोग इस फोटो को फिर से नीचे टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और सिलेक्टिव को ले लेंगे और इसको हेयर पे रख लेंगे कुछ इस तरीके से। इसका सेचुरेशन कम कर देंगे और इसके बाद इसका ब्राइटनेस हम लोग थोड़ा सा कम और स्ट्रक्चर को बढ़ा देंगे। इतना करने बाद आप लोग को क्या करना है, फिर से नीचे प्लस वाले आइकन पर लेके इसका हम लोग स्ट्रक्चर बढ़ा देंगे थोड़ा सा और कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा और यहाँ पर सेचुरेशन हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और इसके बाद इस फोटो को सेव कर लेंगे। ठीक है, फोटो को सेव करने बाद क्या करना है, ऊपर उस वाले नीचे टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसका ब्रश को ले लेना है। और ब्रश को लेने बाद आप लोगों को फोन नंबर का ब्रश यहाँ पर ले लेना है नीचे और इस पर क्लिक करने बाद इसको 10 पे रहेगा और इस कुछ इस तरीके से आप लोग इसको लिप पर अप्लाई करिएगा और इसके बाद इस फोटो को यहाँ से सेव कर लेना है। ठीक है, फोटो को सेव करने में तो आप लोग को क्या करना है, सिंपली सी गाइस ऊपर आप लोग को शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस फोटो को हम लोग शेयर कर लेते हैं एडोब लाइटरूम एप्लीकेशन में, तो यहाँ से हम लोग शेयर कर लेंगे। तो शेयर करने में सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से लाइट पे क्लिक करने में तो आप लोग क्या करना है, इसका कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा लेना है यहाँ से और हाईलाइट को थोड़ा सा कम कर लेना है। यहाँ हम लोग वाइट्स को कम बढ़ाएंगे नहीं, कम करेंगे, शैडोज को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और वाइट्स को हम लोग थोड़ा सा कम कर लेंगे और ब्लैक्स को भी थोड़ा सा कम कर लेंगे। इसके बाद कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसका टेम्परेचर 2 पे और टिंट इसका 4 पे। और इसके बाद आप लोग को मिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है ऊपर, उस पर क्लिक करना ग्रीन का ऑप्शन लेकर आप लोग इसका ह्यू -100 तक रखिएगा और सेचुरेशन को 87 तक। और इसके बाद आप लोग को येल्लो पे आ जाना है, येल्लो का आप लोग ह्यू -100 तक रखिएगा और सेचुरेशन को हम लोग कम कर लेंगे 70 या 57 तक रख लेंगे -57 और ल्यूमिनेंस को हम लोग बढ़ा देंगे। उसके बाद आप लोग को ऑरेंज पे आना है, ऑरेंज का हम लोग ल्यूमिनेंस बढ़ाएंगे यहाँ से कुछ इस तरीके से। आप लोग अपने फेस पर बढ़ाइएगा, जहाँ तक आप लोग को बढ़िया लगे वहाँ तक ही रखिएगा। तो हम लोग इसको 96 रख लेते हैं और ह्यू को हम लोग थोड़ा सा कम कर लेंगे और सेचुरेशन को हम लोग थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग को रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसके बाद इसका ल्यूमिनेंस बढ़ा देना है। तो देख सकते हैं हम लोग का फेस पर का लाइट वाइट सही हो गया है और अभी इसको और कुछ सही करना है, तो इसके लिए आप लोग को इस ब्लू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसका सेचुरेशन बढ़ा देना है। तो आप लोग का शर्ट अगर ब्लू कलर का होगा तो उसमें चमक आ जाएगा। उसके बाद इसको डन कर देना है। ठीक है, डन करने बाद आप लोग को यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इफेक्ट पे क्लिक करने बाद इसका क्लियरिटी बढ़ा देंगे और टेक्सचर को भी हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इससे आप लोग का फोटो काफ़ी बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। और इसका मतलब इसका बिजनेट हम लोग रहने देंगे, बढ़ाएंगे नहीं, थोड़ा सा हम लोग बढ़ा लेते हैं। और इसके बाद हम लोग शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस फोटो को हम लोग शेयर कर लेंगे यहाँ से, फोटो को हम लोग सेव कर लेते हैं यहाँ से।
ठीक है, सेव करने के बाद हम लोग इस फोटो को यहाँ से शेयर कर लेते हैं ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में। ये ऐप आप लोग को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इस वाले ऐप का आप लोग सेटिंग देख लीजिए, जो भी ब्रश बताए हैं उसका सेटिंग आप लोग को देख लेना है। ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करना, आप लोग आएंगे तो बहुत सारा ब्रश मिल जाएगा। इस वाले ब्रश में आप लोग को ये वाला ब्रश ले लेना है और इसका सेटिंग जो भी बताएं उस सेटिंग को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, वही सेटिंग आप लोग रखिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका फ्लो को सही करने के लिए हम लोग फ्लो यहाँ से सही कर लेंगे। इसका फ्लो हम लोग 2 पे रखेंगे और उसके बाद इसका स्ट्रेंथ हम लोग 3 पर रखेंगे। यही सेटिंग आप लोग को रखना है और कुछ इस तरीके से फेस को जूम कर लेना है और नीचे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसका साइज लेफ्ट या राइट करेंगे घटेगा बढ़ेगा। तो साइज फिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फेस पर इसको अप्लाई करिएगा, स्किन पर या फिर इसको अप्लाई करना है कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से फेस स्मूथ हो रहा है। तो आप लोग भी ये सेटिंग अप्लाई करिएगा, यही सेटिंग आप लोग रखेंगे तो आप लोग का काफ़ी बढ़िया तरीके से फेस स्मूथ होगा। और जो सेटिंग बताए स्नैपचीट में, तो उससे आप लोग का फेस काफ़ी बढ़िया तरीके से गोरा हो जाएगा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग अपने फेस को यहाँ से स्मूथ कर लेते हैं। स्मूथ करने बाद ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसको शेयर पे, उसको अदर पे क्लिक करने के बाद आप लोग इस फोटो को शेयर कर लेते हैं टूलविज ऐप में। ये ऐप आप लोग को प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। टूलविज ऐप में ओपन करने बाद आप लोग को सबसे पहले नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इफेक्ट पे क्लिक करने में सॉफ्ट स्मश पे क्लिक कर देना है। सॉफ्ट स्मश पे क्लिक करने में तो आप लोग को बहुत सारा यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो इस 9 नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने मास्क वाले जो ऊपर लिखा है मास्क पे क्लिक करने में तो आप लोग इसको यहाँ पे क्लीन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आप लोग ऊपर इसको अप्लाई कर दीजिएगा। बैकग्राउंड में भी इसको अप्लाई कर देना है कुछ इस तरीके से, आप लोग भी अप्लाई अपने बैकग्राउंड में इसको अप्लाई कर दीजिएगा, तभी आप लोग को ऑयल पेंट फॉर एडिटिंग हो पाएगा। और इसके बाद इस फोटो के यहाँ से शेयर कर लेना, सेव कर लेना है इसको। ठीक है, फोटो को हम लोग ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस फोटो को सेव एंड शेयर कर लेंगे यहाँ से। तो हम लोग का फोटो यहाँ से शेयर कर लेते हैं स्नैपसीड एप्लीकेशन में। शेयर करने बाद आप लोग को क्या करना है, नीचे हम लोग का टूल्स का ऑप्शन दिखेगा, तो टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसके बाद सिलेक्टिव को ले लेना है और सिलेक्टिव को लेने के बाद जहाँ फेस ब्लैक हो वहीं पर रख लेंगे। कुछ इस तरीके से इसका कंट्रास्ट कम करेंगे और ब्राइटनेस को हम लोग थोड़ा सा बढ़ाएंगे और इसके बाद नीचे प्लस वाले आइकन पर फिर से हम लोग क्लिक कर देंगे यहाँ से और इस पर क्लिक करने बाद हेड पर इसको रख लेंगे। इसका भी हम लोग कंट्रास्ट थोड़ा सा कम कर लेंगे और ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा दें। उस बाद देख सकते हैं हम लोग का फेस और काफ़ी बढ़िया तरीके से गोरा हो चुका है, लाइट भी आ चुका है।